बहुत ज़्यादा फेमस है, हम बचपन से आपको देखते चले आए, इस शो में आप ऐसा क्या दिखाने वाली हैं, ऐसा किस तरीके से क्या करने वाली हैं कि ये शो भी आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शो बने? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस शो में ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊँ के बारे में, अगर आप कभी अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी वाइफ से पूछेंगे, कभी आपकी बेटी हुई तो आपकी बेटी बेटी है, नहीं कभी बेटी हुई तो बेटी से पूछेंगे, औरतों की ऐसे कई सारे सीक्रेट्स तुम्हारी तरफ की याद है जो खुद भी फेस नहीं करना चाहती, आईने में भी खुद को नहीं देखना चाहती, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेच मार्क्स, व्हेन इट कम्स टू देयर बॉडी शेप, व्हेन इट कम्स टू डार्क स्किन, व्हेन इट कम्स टू लक्षण बोलते हैं, तो लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, वो खुद को उस तरह शीशे में भी देखना पसंद नहीं करते, दे ट्राई टू हाइड इट, एंड इन दिस शो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज जो हम फेस करती है बिना रियलाइज किए कि इट्स ओके, दे आर ब्यूटिफुल, दे हैव नॉट सीन अदर वुमेन, दे हैव नॉट सीन अदर लेडीज, दे हैव नॉट सीन अदर्स flaws that other women have, उनको लगता है ये फ्लॉ होनी मैं बाकी सब परफेक्ट है, नो इट इज़ नॉट, जैसे औरतें स्ट्रेच मार्क को लेके दे फील, ओ माई गॉड स्ट्रेच मार्क, ओ माई गॉड स्ट्रेच मार्क, यू हैव कम आउट ऑफ अ मेजर, यू नो यू हैव गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड, यू हैव गॉट अ कंप्लीट यू नो ह्यूमन इन द वर्ल्ड, दैट स्ट्रेच मार्क इज योर reward, award, whatever you say, you should not be ashamed of it. So I think this is what we're talking, going to talk a lot about. And this is just a topic. This is how we're going to come up with the show. क्या ये जो शो है एक समाज में एक इबारत लिख देगा एक अच्छा संदेश देने के लिए, जो आप महिलाओं से जुड़े हुए जो संदेश देना चाहती हैं शो के लिए? देखो भैया, अभी रात में डिनर में क्या खाऊंगी ये मुझे पता नहीं, अभी क्या कर देगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये लेकर आ रहा है कुछ कर दे तो अच्छा है, लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना ये शो है देखो। दिगांगना जी, OTT पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, आप इस शो का एक शो का हिस्सा हैं, आप अपनी भूमिका किस तरीके से, आपका क्या किरदार है? किरदार के बारे में तो हम पता नहीं कितनी बातें कर सकते हैं, पर ये शो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को टच कर रहा है, जो आई थिंक वेमेन एंड मैन दोनों के ही बारे में है, बिकॉज आई थिंक मैन एंड वेमेन टैबू सिर्फ किसी एक जेंडर स्पेसिफिक के अराउंड नहीं होते हैं, टैबूज किसी के भी अराउंड हो सकते हैं और किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो कई बार लड़के कुछ करना चाहते हैं उनको ये बोल के रोक दिया जाता है कि तुम लड़के हो तो वैसा कैसे कर सकते हो, एंड लड़कियों को बोला जाता है तुम लड़की हो तो वैसा कैसे कर सकते हो, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने का रीज़न बस कि कई सेंसिटिव चीज़ें ना कई बार बहुत ही रॉन्ग शूट हो जाती हैं, एंड फिर जब दिखती भी हैं तो आपको वो मैसेज कन्वे होने के बजाय और कुछ हो जाता है, सो एस्थेटिकली शूट होना, मनीष जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, आई रियली ट्रस्ट हिम ऑन दैट, एंड कास्ट बहुत अच्छी है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। श्वेता जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं यू नो ये वो लाइन है जो मैं बना बनूं कि नहीं कह सकती, दिस इज हाउ इट इज। अब उनके साथ काम करना आपको कैसा फील कर रहा है? आप मेरे सामने पूछेंगे तो आपको क्या शायद हो सकता है कि यहाँ पे और पर अभी ये है व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, नहीं दिल की भावना से बाहर निकल कर आ रही है, आई नो नहीं है, सी वैसे ये बात खैर फनी भी है, नहीं थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना ये यही, और मैं उनकी तारीफ नहीं तो आप मेन साइड में चले जाइए, आप फिर कह दीजिए साइड में चले जाइए, कॉफी लाना मैं उनको बता सकता हूँ, मैं भी आता हूँ। जी 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 मैं भी चले, हम चले। और बताइए मैं शो के बारे में, और सौरभ सर आपके साथ में हैं तो सौरभ सर के साथ आप क्या किस तरीके से सोच के आइए मैं शो किस तरीके से करूँ, अपना बेस्ट दूँ सर सर जी 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 हमारे नहीं भोपाल कैसा लगा? भोपाल में मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मेरे फूफा दादू बुआ दादी यहाँ रहते हैं, तो मैं कई बार आती जाती रहती हूँ, पहली बार शूट कर रही हूँ तो सेंटिमेंटल जी। भोपाल बहुत अच्छा लगा? ऑफ कोर्स बहुत प्यारी जगह।